चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर टू। ये रफ करता हूँ, प्रैक्टिस सेट 7.1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर टू लिखिए, क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सबके बुक निकालो, टेक्स्ट बुक है ना आपके पास, टू डाइजेस्ट से क्यों करता है। फाइंड द वॉल्यूम क्या है बोलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। चलिए कितना सिंपल क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करिए, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो 9th क्लास में मैंने सिखाया हूँ। हाँ, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो एक क्वेश्चन संतनु, आपको भी सॉल्व करना है। हाँ, जिनका हो गया वो आगे के ट्राई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 6/2 3 सेंटीमीटर। The volume of a sphere. Volume of a sphere equal to 4/3 pi r cube. तो 4/3 into 22/7 into 3 का cube. तो 4/3 22/7 into 3 into 3 into 3. एक थ्री से एक थ्री कैंसिल, ओके ना, मल्टीप्लाई करिए 88 इंटू 9 अपॉन 7, तो मल्टीप्लाई किए होंगे तो कितना है 72, कैरी कितना है 7, 72 और 7 78 अपॉन 7, डिवीजन करिए 1 1 3 किसे होगा 1, फिर 1 3 किसे, फिर 1 आएगा ना आपने इसे डिवाइड किया, कंप्लीट हो गया, 7 आया ना, तो फिर एक 1 हो गया, तो 12 हो गया, 792 आ रहा है क्या, 792 मल्टीप्लाई 72 7 है ना, 7 प्लस 2 3 एडिशन का हो गया, तो 78 होगा, 79 होगा, 0.04 सेंटीमीटर क्यूब, एडिशन सब करके 72 और 7 79 होता है, 78 रोहित 78 बताया था। हां सर, नहीं हां, तब फिर मैंने बताया ही नहीं, नहीं बताया था, नहीं तो कैसे आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए, चलो रोहित क्वेश्चन बोलो, 3 फाइंड द, रुको नोट करने दो, नोट कर लो संतनु, किया कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस is 5 centimeter and height is 40 centimeter 40 centimeter। चलिए तब जल्दी सॉल्व कर लीजिए,
टाइम देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कर 3.14 आएगा। पाई का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया, पर होगा ना सर। ठीक है, देख लेंगे। जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 3। तो घर पर भी आप प्रैक्टिस। सर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए सॉल्यूशन। सर 2 मिनट। पहले क्या दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन में गिवन रेडियस, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया। 5 सेंटीमीटर फिर हाइट दी। हाइट 40 सेंटीमीटर ऑफ सिलेंडर। ऑफ सिलेंडर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। हाँ ओके। चलिए पाई का वैल्यू दिया है। पाई का नहीं दिया पर लिख लीजिए। पर कितना 3.14 यूज करने से सॉल्यूशन आ रहा है क्या? हाँ। चलिए तो चलिए ठीक है। क्या क्या बोला है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है कौन बताएगा ईमानदारी से? 2πr ब्रैकेट r प्लस h। हाँ तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr r + h। तो फार्मूला याद करके मान लीजिए ये सब आपने तो सॉल्व कर लिया, ये सारे गिवन लिख लिया, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तभी तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको याद करके रखना है संतनु, समझ में आया ना? हाँ गुड संतनु, अच्छा है। आज इसको कार पर बैठा कर लाए, घर चला गया था। तो ये आपका हो गया 2πr r + h। प्रेम ये फार्मूला आप याद करके रख लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिवीजन करके फिर लिख लेंगे पाई के वैल्यू, तो वो भी ले लेते हैं। बार बार क्या हो रहा है? आप लिख लीजिए तो क्या 2 × 3.14 × 5 (5 + 40) हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 आ गया। 10 और 10 हो गया, एक तो ये आ गया, इसका आपको 31.4। इतना कितने लोग को समझ में कितना हो जाएगा? होगा ना 31.4 × 45। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आया। 1413 सेंटीमीटर इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 में डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया, और 10 में मल्टीप्लाई करते एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। तो आपका 31.4 × 45 को मल्टीप्लाई कर। अब इतना तो आपको फॉर्मूला याद करना है, ये 9th क्लास का है, 10th क्लास, 9th क्लास जो भी है, और एक इस क्लास का है, ये सब करना किस क्लास में सिखाया जाता है? 8th क्लास में सिखाया जाता है ये। किस क्लास में सिखाया जाता है? 7 या 6 में कदा बता रहा है? 10th। थर्ड क्लास में मल्टीप्लीकेशन सिखाया जाता है। मल्टीप्लीकेशन यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ना, मैं कर रहा हूँ पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन थर्ड क्लास में सिखाया जाता है। हमको तो थर्ड क्लास में, मैं पढ़ाता था थर्ड क्लास में सिखाया जाता था। हमको एलसीएम थर्ड क्लास में सिखाया गया था, तो थर्ड क्लास में एलसीएम एचसीएफ निकालते थे। मेरे स्कूल में सर, मैं कौन सा स्कूल में था? स्कूल में स्कूल से पहले मैं सब कुछ सीख गया था। मुझे याद है जब स्कूल में गया था पढ़ने के लिए, तो हमारे टाइम में थोड़ा बड़े हो जाने के बाद स्कूल हम लोग जाते थे प्राइमरी स्कूल, गांव के जिला परिषद स्कूल, गांव के जो जिला परिषद स्कूल क्या मैं पढ़ाता था मैथ को। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करने आ जाएगा ना, तो मैं सॉल्व कर, केवल आप मल्टीप्लीकेशन से डरते हैं इसलिए आप मैथ नहीं करते हैं। हाँ बोलिए ना। 3.14 और 2 22 अपॉन 7 कुछ प्रॉब्लम है, इरेशनल नंबर है ना, डिवीजन करेंगे तो
बताया था ना इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर हां वो नहीं, मैं पूछ रहा था कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब 22 अपॉन 7 है ना? तो हमें तब पता चलेगा जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 3π = 3.14 लिखिए तब वही लिखेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो 22/7 ब्रैकेट में दिया होता है, वहां ब्रैकेट में दिया रहता है ना, क्वेश्चन में नहीं दिखाया, नहीं दिखाया तो आप 22/7 से सॉल्व करिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई कोई क्वेश्चन में लिखा रहता है तो π = 3.14 लेना है तो आप π = 3.14 लेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि π = क्या लेना है तो 22/7। क्लियर हो गया संतनु? कब क्या करना है? अगर दिया होगा तो लिखना है, हाँ, नहीं दिया होगा तो 22/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या गिवन केवल बता दो, गिवन क्या निकालना है अभी बता दो पहले। Find the surface area of a sphere of radius 7 cm. Okay, find surface area निकालना है. Find the surface area of sphere of radius. Radius कितना दिया है? 7 cm. देखिए 7 cm. अब देखिए sphere को, अब sphere में total surface area और curved surface area सब एक ही होता है। तो अगर आपसे बोल दिया कि फाइंड द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब ये नहीं भूल जाएंगे कि सर इसमें तो क्वेश्चन में तो केवल सरफेस एरिया था, तो हमें तो सरफेस एरिया पता ही नहीं था क्या होता है। तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, या स्पीयर में एक ही सरफेस एरिया होता है वो 4πr² समझ में आया ना? तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन को वो क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देंगे तो इसमें आपको डाउट नहीं होना है। स्फीयर में अगर सरफेस एरिया पूछा तो टोटल सरफेस एरिया, तो लिख के टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² यहां लिख लीजिए सॉल्यूशन, कंफ्यूज एकदम नहीं, सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr² ओके। पाई का वैल्यू दिया है नहीं, 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 तो लिखेंगे तो 4 × 22/7 × 7 का तो 4 × 22/7 × 7 × 7 616 हाँ तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 88 × 7 तो सॉल्व करके आएंगे 616 हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ। कितना सिंपल है, इतने ही सिंपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के पेपर दे दीजिएगा ऐसा ही सिंपल सिंपल आएगा एग्जाम में। और तो आप क्या करते हैं सिलिंग मिस्टेक कर देंगे, अभी इन्होंने कल दे एग्जाम में सॉल्व किया कि a10 = a60 = सम ऑफ ap तो सॉल्व करके लिखा 170 और आंसर जब लिखेंगे तो लिख देंगे 2-3 लड़के क्वेश्चन सॉल्व किए थे x + y = 14 और अपने से चेंज कर दिया x - y = 4 हमने क्वेश्चन में दिया था x + y = 14 और x - y = 2 तो सॉल्व करना था, x एंड y निकालना था। अब मैंने थोड़े बोला था कि आप 2 के जगह 4 लिख दीजिए, अब 4 नंबर के क्वेश्चन दिया था इतना सिंपल 4 नंबर के, वो भी सॉल्व किए गलत कर दिए तो 4 नंबर तो आपको गया ना, आप क्वेश्चन ही चेंज कर दिए तो क्वेश्चन मत चेंज करिए, खुद से क्वेश्चन चेंज कर लेंगे। हाँ यूनिट लिखना मस्ट है, हाँ एरिया का स्क्वायर भी लिखना मस्ट है, यूनिट पर ही नंबर कटते हैं, अगर आपने यूनिट गलत लिख दिया तो वहां पर हाफ नंबर कट जाते हैं, स्टेप मार्किंग होता है। मान लीजिए क्वेश्चन 2 ना कितने नंबर का है, 2 नंबर का, तो आपने हाफ नंबर यहाँ मिल जाएगा, हाफ नंबर गिवन हाफ को फॉर्मूला लिखा है हाफ नंबर, फॉर्मूला के हाफ नंबर और आंसर का हाफ, यहाँ तक ये सब यहाँ तक आंसर का होता है 1 नंबर, आपने यूनिट गलत लिखा है तो हाफ नंबर चलेगा। तो इस तरह से हम भी चेक करते हैं, लेकिन हम एक साथ ही नंबर दे देते हैं सब कैलकुलेट करके। टाइम हो गया तो होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 5,
होमवर्क लिखिए भाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन तीन ही सॉल्व करके लाइए। सेवन सिक्स हाँ सिक्स सेवन एट मैं बताऊंगा कल मैं तो गाड़ी से या कहाँ से।